आज सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट भर्ती निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है पहली बार शिक्षकों के 10,000 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आ रहा है। और आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि शिक्षक के जो 10,000 पदों पर जो भर्ती होना है वो आपका जो है सीधी भर्ती होगा। तो इस बार जो है आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं हर बार आप लोगों को बोलता हूँ, इस बार आप लोगों के लिए शिक्षकों के 10,000 पोस्ट आप लोगों के लिए आया है। और हो सकता है कि यह वैकेंसी अब कभी भी ना आए, ये अब कमिंग में चुनाव होने वाला है, इसी वजह से आपका 10,000 पोस्ट आप लोगों के लिए वैकेंसी आया है। आप लोगों को चुनाव से कोई मतलब नहीं रखना, सिर्फ आपको जो है अपना जो 10,000 पोस्ट निकला है इस पर आपको जो है फोकस करना है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ताकि इस बार जो आप लोगों के लिए 10,000 वैकेंसी शिक्षक के आया है उसमें आपका डायरेक्ट इजीली जो है भर्ती हो सके और आपका सिलेक्शन हो जाए और आप जो है गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं और अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को बना सकते हैं। यही सही मौका है आप सभी लोगों के लिए। अगर इस मौके को, इस अवसर को यदि आप छोड़ देते हैं तो कभी भी ज़िंदगी भर आप जो है बेरोज़गारी में जीते रहेंगे, आपको कभी भी जॉब नहीं मिलेगा। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज बहुत ही कम आता है और वो भी इतने लेवल, हाई लेवल पोस्ट कभी भी नहीं आता। तो 10,000 पोस्ट आप लोगों के लिए आया है। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है छत्तीसगढ़ में टीचर बन सकते हैं, जो 10,000 वैकेंसीज आप लोगों के लिए पोस्ट निकला है उस भर्ती परीक्षा की तैयारी आप जो है किस तरह से कर सकते हैं, शिक्षक भर्ती का सिलेबस जो है क्या होता है, कितने प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट से आपके एग्जाम्स में प्रश्न आएंगे, और जो शिक्षक के 10,000 पोस्ट निकला है इस पोस्ट को, इस वैकेंसीज को, एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करने के लिए कौन कौन से बुक आपको जो है पढ़ना चाहिए, क्योंकि बुक का सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप अगर कोई दूसरा बुक पढ़ेंगे, अगर उस बुक से एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाते, अगर आप उनसे तैयारी करते हैं तो आपके पढ़ाई करने का कोई भी मतलब नहीं होगा। मैं आप लोगों को जो शिक्षक भर्ती है पूरा एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से आप लोगों को पूरा बुक लिस्ट बताऊंगा। आपको लोगों को मैं बताऊंगा 9 से 10 बुक, यदि आप जो है 9 से 10 बुक को अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं और 9 से 10 बुक से ही यदि आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, तभी आपका एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो पाएगा। इस बात को आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। शिक्षक के जो 10,000 पोस्ट निकला है ना, उसके लिए यदि आप 2 से 3 बुक पढ़ाई करेंगे, या फिर एक कई स्टूडेंट तो होते हैं कि कई बहुत ज़्यादा पब्लिशर होते हैं, वो बुक पब्लिश करते हैं शिक्षक का, और उसके बाद जो उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है, लगभग 500 एमसीक्यू क्वेश्चन या 1000 भर एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है, उनको वो पढ़ते हैं और सोचते हैं कि इस एमसीक्यू क्वेश्चन को हम पढ़ लेंगे इसी बुक से, उसके बाद हमारा एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी कभी भी नहीं होता और नहीं कभी होगा। आप एक बुक को पढ़कर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको 9 से 10 बुक बताऊँगा, यदि आप जो है उनको यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक बन जाएंगे। और 10,000 वैकेंसी आप लोगों के लिए आया है, इस बात को समझिए। तो आप लोगों को सभी डिटेल्स मैं बताता हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आयु सीमा क्या है, सैलरी कितना मिलेगा, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, और शिक्षक के जो 10,000 वैकेंसी आया है इसके लिए आपको आवेदन कब करना है, और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, कब से इसके लिए भर्ती आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो कम्प्लीटली इस वीडियो को देखिए ताकि आप लोगों को कोई भी जानकारी ऐसा ना हो जिससे आप लोगों को जानकारी ना मिल सके। तो लास्ट तक जरूर देख रहे हैं जिससे आप लोगों को हर एक जानकारी सिलेबस के बारे में कम्प्लीटली और बुक लिस्ट के बारे में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, शिक्षक के जो 10,000 वैकेंसी आप लोगों के लिए आया है उसके लिए शैक्षणिक योग्यता आपका क्या होगा। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास जो है स्नातक की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। आप कोई भी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हो, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बी फार्मेसी किया हो, बीएससी नर्सिंग किया हो, बीएससी एग्रीकल्चर, या फिर आपने इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक किया, बस आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और इसके साथ ही आपका जो है 2 वर्ष का आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन और बीएड कंप्लीट होना चाहिए, और इसके साथ ही आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए, फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट आपका 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो 40 वर्ष आपका एज जो है होना चाहिए। सैलरी की बात करें कि कितना सैलरी आपको जो है इसमें देखने को मिलेगा, तो सैलरी आपको जो है बहुत ही अच्छा अमाउंट में इसमें स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो इसमें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 20,000 जो है स्टार्टिंग सैलरी आपको देखने को मिलेगा, 20,000 रुपया।
चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट आपका भर्ती होगा, सीधी भर्ती होगा, सिर्फ आपको एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से नंबर लाना है। आप लोगों को बताऊँगा कैटेगरी वाइज जनरल OBC SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कितना नंबर लाना होगा जिससे उनका सिलेक्शन हो जाए और वो छत्तीसगढ़ में शिक्षक बन सकते हैं। 10,000 वैकेंसी आप लोगों के लिए निकला है। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, कितने प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाते हैं और उसके लिए आपको कौन कौन से पुस्तकें जो है पढ़ना चाहिए जिससे आपका एग्ज़ाम जो है आसानी से आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की बात करते हैं तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपके एग्ज़ाम्स में कुल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका जो है एक अंक का होगा, यानी 150 प्रश्न के लिए 150 अंक आपको मिलेगा। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम्स में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे और यही आपका सिलेबस रहेगा, इस बात को और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उन पर अच्छे से गौर कीजिए। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्ज़ाम्स में 30 अंकों का 30 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी से 25 अंकों के प्रश्न आएंगे। हिंदी में आपका पूरा व्याकरण आएगा जिसमें स्वर व्यंजन अक्षर वर्तनी संज्ञा समास मुहावरे लोकोक्तियाँ अपठित गद्यांश ये आपके हिंदी का पूरा व्याकरण आता है। तो हिंदी के एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक आता है जिसमें आप लोगों को हिंदी की जानकारी कम्प्लीटली आपका पूरा व्याकरण बारीकी से दिया रहता है। सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो इसमें आपके एग्ज़ाम्स में 25 अंकों के 25 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। इंग्लिश में आपका पूरा ग्रामर आएगा जिसमें नाउन प्रोनाउन टेंस वॉइस नरेशन कंजक्शन प्रीपोजिशन आर्टिकल डिग्री क्वेश्चन टैग वन वर्ड सब इंस्टीट्यूशन सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट फिनिट वर्ब नॉन फिनिट वर्ब प्रेसिस राइटिंग ये सभी आपके इंग्लिश का पूरा ग्रामर आता है। तो आपके एग्ज़ाम्स में जो है 25 अंकों के ग्रामर जो है पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश में यदि आप वीक हैं, आपको इंग्लिश का ग्रामर कुछ भी नहीं आता और आप स्टार्टिंग से यदि सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सिंह दिशा पब्लिकेशन के आपको जो है इंग्लिश लेना है जिसमें सभी बारीकी से जानकारी आपको दिया रहता है। वहीं बात करते हैं गणित और विज्ञान के लिए, मैथ्स रीजनिंग और साइंस के लिए, जनरल साइंस के लिए। तो गणित में आपका बीज गणित हो गया, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक बहुलक ज्यामिति शंकु त्रिज्या ये आता है आपके मैथ्स समय। तो मैथ्स की तैयारी आप अच्छे से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का आपको जो है वस्तुनिष्ठ अंगणित लेना है जिससे आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है नेक्स्ट लेवल के बहुत अच्छे से एडवांस लेवल की हो जाएगा जिससे आप एग्ज़ाम्स को जो है आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। बात करते हैं रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है जिसमें आपको वर्बल नॉन वर्बल और एनालिटिकल सभी जानकारी जो है आपका पूरा डिटेल्स में आपको जो है दिया रहता है। तो रीजनिंग के लिए आप जो है ये ले सकते हैं। साइंस की बात करें विज्ञान के लिए तो इसके लिए आपको जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक लेना है और इस तरह से मैथ्स रीजनिंग और जनरल साइंस विज्ञान से आपके एग्ज़ाम्स में 30 अंकों का 30 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। सामाजिक अध्ययन की बात करें तो इससे 20 अंकों का प्रश्न आएगा जिसमें सूफी आंदोलन हो गया भक्ति ये सभी टॉपिक से। कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर से 10 अंकों का 10 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स में आपका कंप्यूटर्स का उपयोग हो गया, कंप्यूटर्स के फुल फॉर्म हो गए, कंप्यूटर्स के प्रमुख भागों के नाम, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस CPU की कंप्लीट जानकारी, MS ऑफिस में MS वर्ड MS एक्सेल MS पावरपॉइंट MS एक्सेस की जानकारी आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो कंप्यूटर से 10 अंकों का 10 प्रश्न आएगा। तो कंप्यूटर्स के एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए आपको जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय आता है इस बुक को आप ले सकते हैं जिससे आपके एग्ज़ाम्स में जो कंप्यूटर से 10 अंकों का 10 प्रश्न आएगा तो आपको 10 में से 10 नंबर आपको मिल जाएगा। वही सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं जिसमें आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। तो सामान्य ज्ञान में आपका छत्तीसगढ़ का जिसमें भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, वन जलवायु जनजाति ये सभी टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का आपको छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है और इसके साथ ही आपको टुटेजा ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान लेना और टुटेजा ट्यूटोरियल्स के ही आपको ऑब्जेक्टिव के लिए जो है प्रतियोगिता सारांश लेना है जिसमें कम्प्लीटली जानकारी आपका जो है MCQ क्वेश्चन दिया रहता है और उसमें लगभग 10,000 MCQ क्वेश्चन रहता है जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इंपॉर्टेंट है। तो टुटेजा ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान, टुटेजा ट्यूटोरियल्स का आपको प्रतियोगिता सारांश और टुटेजा ट्यूटोरियल्स का ही इंडियन हिस्ट्री आप जो है ले सकते हैं। वही बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की, क्योंकि बिना करंट अफेयर्स की तैयारी के आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो करंट अफेयर्स की
कम्प्लीटली अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है, इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना, तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के लिए दोनों है, और इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है कम्प्लीटली बहुत अच्छे से बारीकी से आपका हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में 10,000 शिक्षक के वैकेंसी आपका आया है। बात करते हैं इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने के लास्ट डेट क्या है। तो छत्तीसगढ़ में CG न्यू अपकमिंग वैकेंसी है, जल्द ही संबंध में जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन भर्ती जो है विज्ञापन आपका जारी होगा। तो एग्ज़ाम्स की तैयारी करना, प्रिपरेशन करना बिल्कुल ही स्टार्ट कर दीजिए और आप लोगों का सिलेक्शन होगा। 10,000 वैकेंसीज आप लोगों के लिए आया है, और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट का कोई भी अगर डाउट्स हो तो अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए प्लीज़ कमेंट जरूर करना, जिससे आप लोगों के कमेंट का मैं रिप्लाई कर सकूँ। तो अगर वीडियोस आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी जो है सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए, और इसी तरह से अपना सपोर्ट करते रहिए। और आप लोगों के लिए मैं इसी संबंध में और कई वीडियो जो है लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फैमिली दोस्तों में शेयर करना, जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन तक वीडियोस को जरूर पहुंचाएं। इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू आप सभी लोगों का।